ये ढांचे इतने मज़ेदार इसलिए हैं क्योंकि इनको बिल्कुल सरल से सामान से बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको 3 स्टिफ स्ट्रॉ चाहिए और 4 ऊन के छल्ले चाहिए। दोनों स्ट्रॉ के दोनों छोर पे टेप लगाएं, फिर 5-5 सेंटीमीटर के कट बनाएं और दोनों कट्स के बीच की दूरी सुनिश्चित करें कि 16 सेंटीमीटर की हो और जो 4 छल्ले हैं उनके उनकी परिधि 36 सेंटीमीटर की हो। उसके बाद में तीनों जो सख्त स्ट्रॉ हैं उनको इस तरह से एक हाथ में पकड़ें, सब 90 अंश के कोण पर हों। उसके बाद में हरा छल्ला लेकर के उनको 3 स्ट्रॉ के सिरों पर फंसा करके एक त्रिकोण बनाएं। उसके बाद में इसी तरह से लाल छल्ला फंसाएं, फिर पीला और अंत में भूरे रंग का छल्ला। इस तरह से आपका अष्टफलक बन जाएगा। इसमें सारे स्ट्रॉ जो हैं वो दब रहे हैं और सारे ऊन जो हैं वो टेंशन के अंदर हैं, खिंच रहे हैं। आप चाहें तो इस मॉडल को आप स्ट्रॉ और 4 रबर के छल्लों से भी बना सकते हैं। उसके बाद में एक आइकोसाहेड्रन या विंश फलक बनाएंगे। इसके लिए आपको 6 स्ट्रॉ चाहिए और 6 ही ऊन के छल्ले चाहिए। दोनों कट्स के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी और सब ऊन के छल्ले 35 सेंटीमीटर लंबे होंगे। सबसे पहले एक हरे छल्ले से आप 2 लाल छल्ले इस तरह से लटकाएं। अब यहाँ पे 2 आपको डायमंड शेप हरे लूप्स दिखाई दे रहे हैं और 2 लाल छल्ले। उसके बाद में इसी तरह से पीले छल्लों को फंसाएं। अब ये बन गया आपका विंश फलक। बहुत ही सुंदर मॉडल है, सारे ऊन खिंचाव में हैं और सारे स्ट्रॉज दब रहे हैं। आप इनको झाड़ू की सीख और डोरे से भी बना सकते हैं।